यह सत्याग्रह दो लोगों के बीच में है। जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो, दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है? जो देश को झूठ है कि ये लोग परमानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं। परमानेंट बहालियां नहीं होगी। अगर ये परमानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है। ये परमानेंट बहाली बंद करके ठेकाकरण के फायदे देश को समझा रहे हैं। जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए? सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए? देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय संपत्ति, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय सेना, देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान। कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे, झूठ को हराएंगे। झूठ पे सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब धन 22 नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है, तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है? कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम? कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले मोदी जी बोले थे ना? कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे? बोलिए, बोले थे ना? बोले थे ना कि महंगाई कम होगी? बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा? बोले थे ना अच्छा दिन आएगा? आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एक भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, यही योजना है ना? लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैट चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना? और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे
मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं, इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके, तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं है, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को, सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा, जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है? कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर एक। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे, बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया, और पिछले दो साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं, 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिए हैं कि आप बताइए कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। अरे सिंपल सी बात है, बिहार में एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। जो चीज अच्छी होती है उसका फायदा बताने का जरूरत नहीं होता है, जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके, आपके घर पे कोई सामान बेचने के लिए आता होगा तो उस सामान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा। आप ट्रेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है, और वही जूसर जब आप घर पे लेकर के जाइएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा। ये जो बेचने की मानसिकता होती है, इस बेचने की मानसिकता के खिलाफ है ये सत्याग्रह। दो लोगों के बीच में है, जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो। दो आवाज है, एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है? जो देश को झूठ है कि ये लोग परमानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं। परमानेंट बहालियां नहीं होगी। अगर ये परमानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है। ये परमानेंट बहाली बंद करके ठेकाकरण के फायदे देश को समझा रहे हैं।
जब भी देश में कोई टीकाकरण किया जाता है तो सिर्फ उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा। एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा, अगर नहीं होगा एयर इंडिया, तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? समझना है कि नहीं समझना है? आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, सरकारी BSNL नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए, सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए? देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय संपत्ति, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय सेना, देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कांग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा। तो आप बताइए, हम भाजपा का विरोध करते हैं, देश के संविधान का समर्थन करते हैं और उस संविधान को हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसीलिए कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे, झूठ को हराएंगे। झूठ पे सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।